राम राम सभी किसान भाइयों को। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनडीआरआई पशु मेले की बात करें तो जाना माना चेहरा किसी पहचान के मोहताज नहीं है भाई साहब। जो पिछले दादरी मेले में जिनका चैंपियन जो बोल रहा था गोलू टू, तो फिर भी एक बार मैं जानकारी दिलवाना चाहूंगा। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार भाई साहब। सब सबसे पहले अपना परिचय, बाकी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दादरी मेले की बात हो चाहे कौन सी भी मेले की बात हो, आपका चेहरा और आपके जो पशुधन है टॉप में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा अपने दर्शकों को बताने के लिए। सभी दर्शकों राम राम भाई साहब। और मैं बल्लू लाखुवाणा से हूँ, पानीपत जिले से हूँ जी। और ये अभी एनडीआरआई में जो अपनी ड्यूटी आई है ये फर्स्ट आई है। बिल्कुल सर, गोलू डेयरी फार्म की बात करें तो सर गोलू डेयरी फार्म से ही है या फिर कहीं से परचेज की थी आपने या फिर वहीं से तैयार की थी? घर की है जी, गोलू डेयरी फार्म से ही है। मदर फादर की बात करें तो सर? फादर इसका सेंस साहब भाई साहब। बिल्कुल। और रानी रानी की बेटी है ये। बिल्कुल सर, नाम क्या है सर? नाम अभी रखे नहीं, पहली बार मेले में लाए हैं। बिल्कुल पहली बार अभी मैं नाम नहीं रखा भाई साहब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रख लो कि जो अभी की रानी। काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठे होने वाले हैं सर आने वाले टाइम में। मैं अपने चैनल फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा सर आपको ढेर सारी। और सब किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहोगे सर अपनी तरफ से? किसान भाइयों को यही कहेंगे भाई, ये नाम है, सभी किसान भाई अपना मेहनत करें, लगन से करें, और ये रिंग में जो उल्लटबाजी करते हैं ये इनको बंद करो। और सभी जजों का सम्मान करो, जो भी जज देते हैं वो एक समान ही, सभी को एक समान देखते हैं, और जो बेस्ट होता है उसी को पहला नाम। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जो बैस की बात करें, कौन से ब्यात की या फिर फर्स्ट ब्यात की? फर्स्ट ब्यात की है भाई साहब, और चार दांत है। चार दांत, अभी भी चार दांत है सर। कौन से ब्यूटी में थी ना सर? हाँ ब्यूटी में, मिल्क ब्यूटी में। बिल्कुल, तो और कुछ जानकारी सर? जानकारी तो बस यही है भाई, आज तो हमारी जानकारी है कि पहली बार मेले में लाए हैं इस भैंस को। हाँ हाँ। जो सहनशाह की बेटी है और रानी की बेटी है, तो ये पहली बार में ही फर्स्ट आई है। और भगवान ने सुनी तो हमारी कल चैंपियन भी। बिल्कुल 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 सर, हमारी फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आगे के लिए। बाकी हमारी भी तरफ से यही मानना है कि कन्फर्म आपकी जो जोटी टॉप आएगी सर, चैंपियन बनेगी। बिल्कुल। और सर एक बार अपने कॉन्टेक्ट नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है भाई साहब 9861627553। सर अगर एक बात करें, आपको कहाँ से शौक लगा था कि अपने को ऐसे चैंपियन जो है पशुधन तैयार करने हैं सर? अब भाई ये भाई साहब अपने नरेंद्र जी ये शुरू में गोलू बोल ले आए थे। हाँ। तो तभी से हमें शौक है, तभी से फार्म चालू हुआ है। उसी टाइम से गोलू की ज्यादा पीढ़िया गोलू की चली हुई है, सेनसा भी गोलू का ही बेटा था। सर कितने साल हो गए लगभग ये? तो भाई साहब साल तो 20 के करीब हो गए भाई। बिल्कुल सर, काफी कुछ तभी से लगातार चल रहे हैं। और ऐसी जोटियां कई फार्म पे भी हैं, अभी भी हैं 10-12 जोटियां जो कंपटीशन की है, जो मुजफ्फरनगर में अभी कंपटीशन लड़के आए थे, या जो अपनी 5वें नंबर पे आई है ये भी अभी कंपटीशन लड़के आई, वहां पे 3रे नंबर पे आई थी। बिल्कुल, वो जोटी टूटी हुई थी तो इसलिए पहले नंबर वाली जोटी को चांस दिया। बिल्कुल सर, गोलू डेयरी फार्म पे पशुधन की बात करें तो कितनी मात्रा में आप पशुधन रखते हैं? पशुधन अब होगी भाई 80-85 के करीब। सर डेयरी का काम है या फिर सेल परचेजिंग में? साथ नहीं, डेयरी का ही है, ज्यादा भाई ब्रीडिंग पे है, और सेल परचेजिंग तो ये है भाई, कोई भाई आ गया जो पैसे ठीक लगा दिए तो दे देते हैं। बिल्कुल सर, कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 9831-66-376। बिल्कुल सर, से जाना पूरी जानकारी हमने आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर आप हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। थैंक यू सर।